Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department welcomes you in my today's lecture of Managerial Economics. In today's lecture, we will discuss upon the next point in relation to scope of Managerial Economics. जैसे कि previous lecture में हमने topic start किया था scope of Managerial Economics का, और इसमें हमने इसके दो points को discuss किया था, एक तो demand decision के relation में और एक cost and production decision के relation में. आज के लेक्चर में हम थर्ड पॉइंट को डिस्कस करेंगे. द थर्ड पॉइंट इज मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइजिंग पॉलिसीज. दिस इज द थर्ड स्कोप ऑफ मैनेजरल इकोनॉमिक्स. मार्केट का मतलब क्या होता है? ये वो पर्टिकुलर प्लेस होता है जहां पर बाइंग और सेलिंग एक्टिविटीज कंप्लीट होती हैं. तो जिन पर्टिकुलर प्लेसेस पर बाइंग और सेलिंग एक्टिविटीज अकर होती है, उस प्लेस को हम मार्केट का नाम देते हैं. किसी भी मार्केट में दो टाइप की साइड होती हैं, एक होती है उसकी सप्लाई साइड और दूसरी होती है उसकी डिमांड साइड. और इन दोनों साइड के बेसिस पर एक मार्केट को डेवलप किया जाता है. यानी कि अगर मैं मार्केट की बात करूं तो ये एक ऐसा डायनेमिक कॉन्सेप्ट है जिसका मेन पर्पज होता है इक्विलिब्रियम की पोजीशन को अचीव करना. अब ये बात आती है कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है. इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब मार्केट में सप्लाई साइड और डिमांड साइड दोनों इक्वल होते हैं, तो हम इस इक्वलिटी की सिचुएशन को इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं. और जब हम एक मैकेनिज्म का यूज करते हैं जिसके बेसिस पर हम गुड्स के रेफरेंस में इक्विलिब्रियम पोजीशन को ऑब्टेन करते हैं, तो इस इक्विलिब्रियम पोजीशन के रेफरेंस में हमें गुड के उस पर्टिकुलर प्राइस के बारे में पता चल जाता है जिस पर बाइंग एंड सेलिंग कंप्लीट होगी. क्योंकि होता क्या है कि मार्केट में अगर डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो उस केस में गुड्स के प्राइस ज़्यादा होंगे. लेकिन अगर रिवर्स लेके चलते हैं, डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है तो गुड्स के प्राइस कम होंगे. तो एक ऐसी सिचुएशन चाहिए होती है मार्केट को जहाँ पर ये दोनों के होते हैं इक्वल होते हैं. और जब सप्लाई और डिमांड इक्वल होते हैं उसके बेसिस पर जो प्राइस डिटरमाइन होता है वो कहलाता है इक्विलिब्रियम प्राइस. और इस पर्टिकुलर प्राइस पर बायर्स और सेलर्स दोनों एग्री हो जाते हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए. क्योंकि इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग ये जो प्राइस होता है ये मार्केट में एक इनविजिबल हैंड की तरह होता है जो एक्सेस सप्लाई और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को प्रॉपरली बैलेंस करता है, और उसकी वजह से मार्केट में एक इक्विलिब्रियम की पोजीशन क्रिएट होती है. जैसे अभी डिस्कस किया था मैंने आपसे ना, डिमांड अगर ज़्यादा होती है सप्लाई कम होती है तो प्राइस ज़्यादा होंगे, डिमांड कम होगी सप्लाई ज़्यादा होगी तो प्राइस कम हो, प्राइस ज़्यादा हो जाएंगे उसके में ना. डिमांड अगर कम होगी और सप्लाई ज़्यादा होगी तो प्राइस कम हो जाएंगे, और डिमांड ज़्यादा होगी और प्राइस कम होंगे सप्लाई कम होगी तो प्राइस ज़्यादा होंगे. तो एक इक्विलिब्रियम की पोजीशन चाहिए होती है, और इस इक्विलिब्रियम की पोजीशन को हम इस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम प्राइस के बेसिस पर डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस की जो सक्सेस है. अब बात आती है बिजनेस की. अगर मैं किसी बिजनेस की सक्सेस की बात करूं तो ये डिपेंड करता है उसके प्राइस डिसीजन के करेक्टनेस पर. जितना करेक्ट वे में प्राइस को लेकर डिसीजन फॉलो किया जाएगा फर्म की तरफ से, उतना ही उसकी सक्सेस एंश्योर होती चली जाती है. लेकिन जब हम प्राइस थ्योरी की बात करते हैं तो प्राइस थ्योरी किस पर डिपेंड करती है? ये नेचर ऑफ मार्केट पर डिपेंड करती है. तो एक रिलेशन है, मार्केट मैकेनिज्म के बेसिस पर प्राइस को डिसाइड किया जाता है. अब किसी फर्म को अगर अपने प्रोडक्ट के प्राइस डिसाइड करने हैं तो उसके लिए उसको प्राइस थ्योरी को स्टडी करना पड़ता है, और प्राइस थ्योरी जो डिपेंड करती है वो मार्केट पर डिपेंड करती है. और जब हम मार्केट की बात करते हैं तो नंबर ऑफ सेलर्स और डिमांड कंडीशंस के बेसिस पर हम मार्केट को चार टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. कौन कौन से चार टाइप्स? परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मार्केट, मोनोपोली कॉम्पिटिशन मार्केट, एंड द फोर्थ वन इज द ऑलिगोपोली कॉम्पिटिशन मार्केट. नाउ द पॉइंट इज दैट कि इन प्राइजिंग डिसीजंस का इन मार्केट स्ट्रक्चर से क्या कनेक्शन रहता है. जब हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात करते हैं तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, क्योंकि जो मार्केट के प्राइस होते हैं, प्रोडक्ट के प्राइस होते हैं मार्केट में, उसको मार्केट मैकेनिज्म के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है. और जो इस मार्केट मैकेनिज्म के बेसिस पर प्राइस डिसाइड किए जाते हैं, हर फर्म को उस पर्टिकुलर प्राइस को एक्सेप्ट करना होता है, और फर्म केवल और केवल उसी पर्टिकुलर प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकती है. इसी वजह से यहाँ पर हम सारी फर्म्स को प्राइस टेकर का नाम देते हैं. यहाँ जो प्रोड्यूसर है वो केवल प्रोडक्ट लेवल को चेंज कर सकता है, प्राइस को डिसाइड नहीं कर सकता. जबकि मैं अदर फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ पर जितनी फॉर्म्स होती हैं वो प्राइस मेकर होती हैं, वो अपने बेसिस पर प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड कर सकती हैं. इसका मतलब कि अपने गोल को अचीव करने के लिए अगर
फर्म अपने प्राइस स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहे तो वो उसको चेंज कर सकती है, जबकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ऐसा नहीं होता है। जैसे मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन की बात करें तो जो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन है उसमें सारी फर्म्स क्या होती हैं, दे ऑल आर द प्राइस मेकर्स, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में देर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड ऑल द सेलर्स आर सेलिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। यानी कि ये जो अपना प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन होता है वो क्वालिटी के बेसिस पर, ब्रांड के बेसिस पर, फीचर के बेसिस पर फॉलो करते हैं और उसके अकॉर्डिंग अलग अलग प्राइजेस को चार्ज करते हैं। जैसे कि डिटर्जेंट इंडस्ट्री है, सिगरेट इंडस्ट्री है, FMCG सेक्टर है, ये सारे क्या है, दीज ऑल आर द मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट्स। ऐसे जब मोनोपोली कॉम्पिटिशन की बात करते हैं तो मोनोपोली कॉम्पिटिशन का मतलब होता है केवल और केवल एक ही सेलर होता है इसके अंदर जो एक पर्टिकुलर टाइप की कॉमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहा होता है, यानी कि इसको हम सिंगल सेलर इंडस्ट्री का नाम देते हैं। जैसे इंडियन रेलवेज या फिर जब हम इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम इन तीनों को एक साथ रख देते हैं तो ये भी एक तरीके से मोनोपोली सिचुएशन को क्रिएट करती है। तो मोनोपोली सिचुएशन एक्चुअली हमें प्राइवेट सेक्टर में देखने को नहीं मिलती है, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती हैं, PSUs होती हैं, वहाँ आपको मोनोपोली सिचुएशन देखने को मिल सकती है, लेकिन ये केवल केवल सोशल वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही फॉलो की जाती है। ऐसे ही जो कॉमन मार्केट स्ट्रक्चर है, द मोस्ट कॉमन मार्केट स्ट्रक्चर इज ओलिगोपोली। ये सबसे कॉमन मार्केट स्ट्रक्चर होता है ओलिगोपोली का। ओलिगोपोली का मतलब क्या होता है, हेयर फ्यू सेलर्स आर अवेलेबल इन आर इंडस्ट्री एंड दीज पर्टिकुलर सेलर्स आर सेलिंग आइदर द होमोजेनियस प्रोडक्ट और दे आर सेलिंग द डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स फ्रॉम कॉस्मेटिक्स टू ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मार्केट दे आर रूल्ड बाय ओलिगोपोलिस्ट। और मैक्सिमम आपको जो इंडस्ट्रीज दिखाई देंगी उसमें आपको ओलिगोपोली सिचुएशन ही दिखाई देगी। चाहे मैं कॉस्मेटिक्स से लेकर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तक बात करूं, हर जगह आपको ओलिगोपोली स्ट्रक्चर ही दिखाई देगा। और ओलिगोपोली के अंदर क्या खास बात होती है कि यहाँ पर केवल केवल फ्यू ऑफ द सेलर्स होते हैं और फ्यू ऑफ सेलर्स होने की वजह से इनके बीच में कंपटीशन लेवल भी हाई होता है। और इस कंपटीशन में, इस राइवलरी की सिचुएशन में एक इफेक्टिव प्राइसिंग पॉलिसी को अचीव करना, दिस इज द चैलेंजिंग जॉब फॉर ईच एंड एवरी ऑफ द ओलिगोपोलिस्ट। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या होती है, यहाँ पर जो राइवल फर्म्स होती हैं वो दूसरी फर्म्स के एक्शन पर डिपेंड करती हैं। बाकी फर्म्स की पॉली मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है, प्राइसिंग पॉलिसी क्या है, इस पर डिपेंड करती है इनकी खुद की प्राइसिंग पॉलिसी, इनकी खुद की मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ऐसा नहीं है कि एक फर्म इंडिविजुअल बेसिस पर अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड कर सकती है। जब उसे अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करना होता है तो उसे यह देखना होता है कि उसके कॉम्पिटिटर्स उसी पर्टिकुलर कैटेगरी में अगर प्रोडक्ट को फॉलो कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग क्या प्राइजेस चार्ज कर रहे हैं। उसको ध्यान में रखते हुए ही एक ओलिगोपोलिस्ट फर्म अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करती है। तो इसका मतलब यहाँ जो एक फर्म का डिसीजन है वो दूसरे फर्म के एक्शन पर कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है। तो इस तरीके से डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर में हमें डिफरेंट प्राइसिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करना होता है। तो जो फर्म जिस पर्टिकुलर मार्केट में ऑपरेट कर रही होती है उसके अकॉर्डिंग ही प्राइसिंग थ्योरी को एक्सेप्ट करती है और उसके अकॉर्डिंग ही अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करती है। क्लियर। नेक्स्ट एंड द फोर्थ स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। क्या होता है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रबलसम टास्क फॉर बिजनेस फर्म्स। इट इन्वॉल्व्स प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर वेदर और नॉट टू इन्वेस्ट फंड्स इन द परचेज ऑफ असेट्स और अदर रिसोर्सेज इन एन अटेम्प्ट to make profit and how to choose among competing use of funds is studied under investment analysis. बहुत deep subject होता है, एक deep activity है किसी भी business firm के point of view से, और सबसे ज़्यादा troublesome task है ये किसी भी business firm के लिए, क्योंकि आपके पास fund की availability है और आपको अपने fund को different type के projects में invest करना है। अब उन different type के projects में से आपको किसी एक project में अगर invest करना हो तो उसको सेलेक्ट करना, दैट इज द चैलेंज फॉर एनी ऑफ द बिजनेस फर्म। या फिर यहां आपको डिसाइड करना होता है कि जो डिफरेंट आपके पास इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स अवेलेबल हैं उनमें आप अपने फंड को आपको उसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, या फिर अगर आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो हर प्रोजेक्ट में इंडिविजुअल बेसिस पर कितना प्रॉफिट जनरेट किया जा सकता है, या फिर हम किस तरीके से अपने फंड को उन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स में प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसके रिलेशन में
हमें जो भी डिसीजन फॉलो करने होते हैं वो हम इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के अंडर में इसको फॉलो करते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स के रिलेशन में ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट टाइप के डिसीजंस लेने होते हैं, जैसे कभी कभी ये इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को रिप्लेस करना चाहती है, या जो उसके एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं इक्विपमेंट्स हैं इनको ये एक्सपेंड करना चाहती है, या फिर फर्म की एक्टिविटीज़ को ये डाइवर्सिफाई करना चाहती है, या फिर जो मेजर एडवर्टाइजिंग कैंपेन है इसको ये मेजर या फिर वाइड लेवल पर इनको फोकस करना चाहती है। इस तरह से ये डिफरेंट टाइप के इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं जहाँ ये अपना फंड प्रॉपरली इन्वेस्ट करना चाहती है। जनरली जो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका एक बेसिक पर्पज़ होता है, क्या पर्पज होता है, या तो रेवेन्यू को जनरेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया जाता है, या फिर कॉस्ट को रिड्यूस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स में फंड को इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी लेकर चल सकते हो उसमें। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ही इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को फाइनलाइज किया जाता है। जब हम बात करते हैं चॉइस अमंग कॉम्पिटिंग यूज ऑफ फंड्स ऑब्जेक्टिव, देन इट डील्स विद वेरियस क्राइटेरिया, और इनके बेसिस पर ही इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाता है। जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फंड्स को कॉम्पिटिटिव वे में यूज करने के रेफरेंस में, तो इनको एक क्राइटेरिया मानते हुए हम क्या करते हैं इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को या तो एक्सेप्ट करते हैं या फिर इनको रिजेक्ट कर देते हैं। कोई भी इंडिविजुअल पर्सन अपनी कैपिटल को किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल या इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, इसको डिसाइड करने के लिए डिफरेंट टाइप के डिसीजन प्रोसीजर्स को अडॉप्ट किया जाता है। जैसे कौन कौन से डिसीजन प्रोसीजर्स हैं, इसके अंदर पे बैक पीरियड मेथड, एवरेज एनुअल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, NPV मेथड बोलते हैं इसको प्रॉपरली, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये सारे के सारे वो पर्टिकुलर डिसीजन प्रोसेस मेथड्स हैं जिनके बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि किसी भी कंपनी के द्वारा किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट पर अमाउंट को इन्वेस्ट किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। ओके, नाउ द लास्ट वन इज द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस। पहले तो बात करेंगे कि सर्टेनिटी, रिस्क और अनसर्टेनिटी इनकी डेफिनेशन क्या होती है, इनका मतलब क्या होता है। जब हम किसी भी बिजनेस फर्म के डिसीजन एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो इनमें लगातार चेंजेस होते रहते हैं, और ये जो चेंजेस होते हैं कभी तो इन चेंजेस के बारे में आपके पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है जिनको हम नोन चेंजेस बोलते हैं, या कभी इन चेंजेस के बारे में आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती है जिसे हम अननोन चेंजेस का नाम देते हैं। जब नोन चेंजेस के साथ में डेफिनेट आउटकम्स आते हैं तो हम इसको बोलते हैं सिचुएशन ऑफ सर्टेनिटी। वाइल इनडेफिनेट आउटकम एसोसिएटेड विद नोन चेंजेस इन्वॉल्व्स रिस्क, यानी कि अगर चेंजेस नोन है लेकिन आउटकम्स इनडेफिनेट आते हैं तो हम इसे बोलेंगे सिचुएशन ऑफ रिस्क। ये जो रिस्क होते हैं इसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, और कैलकुलेट करने की वजह से इनको इंश्योर्ड भी किया जा सकता है। तो इस तरह से रिस्क को तो आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन एक सिचुएशन और अराइज होती है जहाँ चेंजेस क्या होते हैं, चेंजेस अननोन होते हैं, और जो उनके आउटकम्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इनडेफिनेट होते हैं। तो अगर चेंजेस अननोन हैं, आउटकम्स इनडेफिनेट हैं, तो इस पर्टिकुलर केस में जो रिस्क एलिमेंट है इसको प्रॉपरली मेजर नहीं किया जा सकता है, और जब रिस्क को मेजर नहीं किया जा सकता है तो हम इस सिचुएशन को बोलते हैं सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी। क्लियर हो गया? तो ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए आपको, सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी और रिस्क। अब हम बात करते हैं बिजनेस फर्म्स की। जितने भी बिजनेस फर्म्स हैं इनको रिस्क और अनसर्टेनिटी की सिचुएशन में ऑपरेट करना होता है। जब कभी भी इनको किसी भी टाइप के डिसीजन को फॉलो करना है या फॉरवर्ड प्लानिंग करनी होती है तो इस रिस्क और अनसर्टेनिटी की कंडीशन को फेस करने की वजह से इनको फोकस करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। मान लीजिए कि फर्म को फ्यूचर के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती, अगर फ्यूचर के बारे में परफेक्ट इन्फॉर्मेशन इनको होती तो उसके अकॉर्डिंग प्लान्स को प्रॉपरली फॉर्मुलेट किया जा सकता था, वो भी बिना किसी एरर के, और वो भी बिना किसी सब्सिक्वेंट रिवीजन के। जरूरत ही नहीं पड़ती आपको, ना ही कोई एरर होती और ना ही आपको रिवाइज करना पड़ता, और इसके बिना ही आप एक प्रॉपर प्लान डेवलप कर सकते थे अगर फ्यूचर नॉलेज आपके पास होती। लेकिन जब बिजनेस फर्म्स की बात करते हैं
तो फ्यूचर की डिमांड, फ्यूचर के कॉस्ट और फ्यूचर के प्रॉफिट के बारे में इनके पास एडिक्वेट इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, और इसी वजह से क्या करना पड़ता है, जितने भी डिसीजंस हैं वो जो डिसीजंस हैं इनको पास्ट डेटा, करंट इन्फॉर्मेशन और फ्यूचर प्रोडिक्शन के बेसिस पर फॉर्मुलेट किया जाता है और प्लान किया जाता है। तो कुल मिला के हमें पास्ट डेटा को भी स्टडी करना पड़ता है, करंट इन्फॉर्मेशन को भी कलेक्ट करना होता है, और इसके साथ साथ आपको फ्यूचर पोजिशन को भी प्रेडिक्ट करना पड़ता है। तो प्रेडिक्शन तो कर सकते हो, और ये प्रेडिक्शन नियर बाय करेक्शन हो सकता है या नियर बाय एक्यूरेसी हो सकता है, लेकिन ये 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता। तो इन पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर प्लान्स को डेवलप कर सकते हैं और उनको प्रॉपरली फॉर्मुलेट भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो भी नई इन्फॉर्मेशन मार्केट में अवेलेबल होती हैं टाइम के साथ साथ, उनको भी हमें रिवाइज, उनको भी हमें स्टडी करना होता है, और उनको ध्यान में करते रखते हुए हमें अपने प्लान को कॉन्टिन्यूस वे में रिवाइज भी करना जरूरी है। पता चला कि चेंजेस हुए और चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने प्लान में आपने चेंज नहीं किया, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो प्रॉपर नहीं आएगा। तो अगर आपको अपना रिजल्ट प्रॉपर चाहिए तो उसके लिए आपको प्लान्स में भी रिवाइज करना होगा जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन चेंज होती है टाइम के साथ साथ, ठीक है। और इसके साथ साथ जो फर्म्स हैं दे आर कॉन्टिन्यूसली एंगेज इन द डिसीजन मेकिंग एंड हैव नो चॉइस बट टू एडजस्ट टू अनसर्टेनिटी अबाउट डिमांड, फैक्टर प्राइजेस, बिहेवियर और अराइवल फर्म्स, क्योंकि अनसर्टेनिटी सिचुएशन हमेशा बनी रहेगी और फर्म्स के पास कोई चॉइसेस नहीं होती हैं। तो इसी वजह से इसको, इस अनसर्टेनिटी और रिस्क की सिचुएशन को ही ध्यान में रखते हुए डिमांड, फैक्टर प्राइजेस, राइवल फर्म के बिहेवियर, इनके रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप के डिसीजंस को फाइनलाइज करना होता है, और इसके अकॉर्डिंग ही इसे अपनी प्लानिंग को फॉरवर्ड करना होता है। ओके, सो दीज ऑल आर द स्कोप और स्कोपिंग एरियाज ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। थैंक यू।